पोहरी में हो रहे बड़े पैमाने पर स्मैक का कारोबार, लोगों ने थाने में दिया नाम दर्ज आवेदन। खबर पोहरी से आ रही है, पोहरी अनुभाग क्षेत्र से, जहां पर पोहरी में बड़े पैमाने पर स्मैक का कारोबार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत आवेदन के माध्यम से पोहरी वासियों ने पुलिस को दी। इस मामले के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार पोहरी का ही एक युवक स्मैक को बड़े पैमाने पर बेच रहा है। कई बार लोगों ने पकड़ा, पुलिस थाना में शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही पुलिस और प्रशासन द्वारा नहीं की गई। लेकिन आज पोहरी के रहने वाले ग्वालियर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती संजय शेरडेले से अधिकारियों द्वारा की वार्तालाप में पोहरी क्षेत्र में सभी नशा बेचने वालों के नाम बताए हैं, जिसमें एक जाहिद खान किला गेट निवासी पोहरी के नाम बड़े पैमाने पर स्मैक बेचने वालों में बताया है कि जिस संजय शेरडेले के भाई कई लोगों को लेकर थाना परिसर में एकत्रित होकर उक्त लोगों के विरुद्ध थाने में प्रदर्शन कर कार्यवाही की मांग की है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन ऐसे जानलेवा नशे की किस प्रकार रोकथाम करती है। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अनिल सटेले, तो आज आप जो सब लोग जो थाने पर सर पोहरी पे आए, जो आवेदन के माध्यम से, क्या कुछ मामला है? जी स्मैक का मामला है सर, और ये स्मैक का मामला बहुत ही फैलता जा रहा है पोहरी में, और इसमें मेन जो है वो जावेद अली के नाम से है, किले के अंदर से पप्पू खान का लड़का, और वो ही डीलिंग करता है। काफ़ी बार हमने पकड़ा भी है उसको डीलिंग करते हुए, और मेरा भाई है संजय दानू, उसको वो सेल करता था, और संजय को हमने ग्वालियर रखा हुआ है नशा मुक्ति केंद्र में। यहाँ बार बार पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब ग्वालियर में नशा मुक्ति केंद्र में पूछा गया तो उसने जावेद खान का नाम सामने रखा। अब आप पुलिस से क्या मांग कर रहे हो? मांग यही है कि इसमें आपको पूरी तरह ख़त्म किया जाए, ये जो जिनके नाम हम लोगों ने दिए हैं उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए, जिससे इसमें का काम को बंद किया जाए। संजय जी कैसे हैं? बढ़िया। और स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। डेली रूटीन अच्छा चल रहा है? जी। और इसके अलावा कोई अदर एक्टिविटी क्या क्या करते हो? गेम खेलते हैं। क्या गेम खेलते हो? लूडो, कैरम। फेवरेट गेम कौन सा है? लूडो। लूडो? हाँ। खेलते हो? हाँ। और मूवी भी देखते हो कि नहीं? हाँ, कल देखी थी, आज शुक्रवार, शनिवार और बुधवार। शनिवार बुधवार को मूवी देखते हो? हाँ। अभी तक कोई पसंदीदा मूवी? हाँ, जो सारी मतलब बढ़िया थी, अच्छी थी, पसंद आई मूवी। हाँ। और कौन सा हीरो पसंद है? सबसे ज्यादा संजय दत्त। संजय बाबा? हाँ। क्या बात है। किस चीज का नशा करते थे अपन? इसमें। कितने साल से? 4 महीने। 4 महीने से। कहाँ से मिलती थी स्मैक आपको? पोहरी से। पोहरी से? वहाँ से ही। कौन ला के देता था? खुद ही। खुद जाते थे? जी। किस से लेने? जावेद अली। जावेद अली से? जी। कहाँ रहते हैं ये? किले के अंदर। तो आप खुद जाते थे या फोन पर बात हो जाती थी आपको? फोन पे मतलब बात हो जाती थी, वो देने आ जाते थे। अच्छा, फोन पर बात हो जाती थी, वो देने आ जाते थे आपको। तो नशे का जीवन अच्छा है या बगैर नशे का जीवन अच्छा है? बगैर नशे को। बगैर नशे का जीवन अच्छा है ना हमारा, क्योंकि नशे से हमें नुकसान ही होता है, फायदा कुछ नहीं होता है ना जी। और काउंसलिंग क्लासेस और एक अभी हमारी नई क्लासेस चालू हुई है ऑनलाइन, वो ले रहे हो? हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ। और कोई शारीरिक समस्या तो नहीं है? नहीं। और स्टाफ से कोई परेशानी जी? नहीं। खाना दवाई समय पर हो रहा है? हाँ। चलिए ठीक है।